हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष के पास राम और कृष्ण की जो संस्कृति है वो एक बहुत बड़ी दौलत है कृष्ण भगवान ने जो हमको दिया वह गीता का भगवत गीता का महान ज्ञान दिया जिसके सामने पूरा संसार नतमस्तक है वह ग्रंथ जिस पर हाथ रखकर कोर्ट में भी व्यक्ति शपथ ग्रहण करता है कसम खाता है जिसके वह ग्रंथ जिसके सामने हम लोग मत्था अपना माथा झुकाकर प्रणाम करते हैं सवा पांच हजार वर्षों से लेकर अब तक जिस गीता ने हमने हमें एक जीवन दर्शन दिया उस भगवत गीता को हम ये मानते हैं कि भारतवर्ष के पास ये एक बहुत बड़ी प्रभु की देवी धरोहर है इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर पूरे विश्व में हिमालय एक है दूसरा हिमालय नहीं और पूरे विश्व में गंगा भी एक है दूसरी गंगा नहीं तो पूरे विश्व में गीता भी एक ही है दूसरी गीता नहीं गीता ग्रंथ वह है जिस अमृतवाणी को सुनने के बाद दुनिया के सताए हुए और अन्याय के द्वारा पीड़ित किए हुए पांडवों को अपना फिर से राज्य मिला और जहां सारी दुनिया भर के राजा जिनके विपरीत खड़े हो गए थे उन पांडवों का फिर से पूरी इस पृथ्वी मंडल पर गौरवगान हुआ राज्य मिला सफलता मिली समृद्धि मिली यश कीर्ति मिली खुद की पहचान मिली तो जिस ग्रंथ को या जिस अमृतवाणी को सुनने के बाद ही विजय निश्चित हुई उस विजय दिलाने वाली सफलता दिलाने वाली समृद्धि दिलाने वाली राज्य दिलाने वाली अगर कोई अमृतमय पुस्तिका है तो उसी का नाम गीता है तो जो अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो गीता की तरफ चले जो ये चाहता है कि उसे समृद्धि मिले राज भाग प्राप्त हो राज ऐश्वर्य प्राप्त हो तो गीता पास होनी चाहिए गीता को हर दिन एक पृष्ठ जरूर पढ़े और जो ये सोचते हैं कि जन्म भी सुधर जाए और मरण भी सुधर जाए तो दोनों ही सुधर जाए तो फिर गीता के शरण में जरूर जाना चाहिए जो ये सोचते हैं कि हमारे डर खत्म हो जाएं तो गीता की शरण में चले और जिनको ये लगता है कि जीवन में विषाद है निराशा बहुत है तो गीता की तो शुरुआत ही विषाद योग से हुई विषाद को प्रसाद में प्रसन्नता में बदलने के लिए भगवान ने संदेश दिया तो अगर सदा प्रसन्न रहना चाहते हो तो गीता पढ़िए गीता ही प्रसन्नता का संदेश है और अगर टूटे हुए बिखरे हुए मन को और घर को और कुल को जोड़ना चाहते हो तो भी गीता पढ़ो और अगर ये चाहते हो कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे तो भी गीता के शरण में जाइए गीता से बढ़कर कुछ भी अमृत नहीं है इस धरती पर इसलिए सबसे पहले आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दोहे नमः। आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जिनके एक हाथ में छड़ी है घोड़ों को हाँकने के लिए रथ को चलाने के लिए और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में ज्ञान मुद्रा में दिखाई देता है जो कल्प वृक्ष है कामनाओं की पूर्ति करते हैं जिसके अंदर से लगातार कृपाएं प्रकट होती हैं शरण में कोई भी आया तो कृपा जरूर करते हैं भगवान कृष्ण का अपना एक ढंग है पहले तो वो नाच नचाते हैं हर किसी को बाद में उसके बाद जो है सारा दुख हर भी लेते हैं इसलिए जब नाच नचाए ना आपको इधर उधर दौड़ना पड़े परेशानी में तो घबराना नहीं कृपा करेंगे वो यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया वो करेंगे कभी ना कभी आगे कहा ज्ञान कृष्णाय गीता गीतामृतम दुहे नम उन कृष्ण को ज्ञान अमृत बांटने वाले प्रभु को नमस्कार करते हैं जिन्होंने गीता रूपी अमृत मनुष्य के कल्याण के लिए प्रदान किया अब यहां से हम शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि भाग्यशाली हैं आप लोग कि गीता का अमृत संदेश श्रवण करने का अवसर मिला है तो ये बात ध्यान में रखिए कि जितने दिन का ये कार्यक्रम है उतने दिन तक आप लगातार गीता के कुछ अमृत बिंदुओं को पान करने की चेष्टा कीजिए कुछ तो हाथ में आए समुद्र मंथन हुआ तो अमृत की जब प्राप्ति हुई तो अमृत बांटने में झगड़ा था तो कुछ कुछ बूंदे अमृत कलश से नीचे गिरी थी ना तो कहते हैं कुछ तो चंद्रमा में चली गई तो जब भी चांद निकलता है मन को शांति देता है और सारी औषधियों में मिठास बोल देता है और दुनिया में सुंदरता और शांति और शीतलता का प्रतीक अगर कोई है तो चंद्रमा है और कुछ बूंदे धरती पर वहां गिर गई ये औषधियों में चली गई फलों में चली गई मिठास बन गई कुछ ऐसी जगह गिर गई जहाँ अब आप अमृत कुंभ के रूप में कुंभ मेला लगाते हैं तो बारह वर्ष के बाद और छह वर्ष के बाद कुंभ होता है लेकिन कहते हैं कि अमृत प्राप्ति से पहले विष निकला था तो विष को तो भगवान शंकर ने ग्रहण कर लिया पर जिस पात्र में डालकर पिया था हलाहल विष इतना उछल रहा था प्याले से उछलकर कुछ नीचे गिर गया तो कथा ये वर्णन है कि जब नीचे गिरा तो फिर वो कुछ जीव जंतुओं के अंदर चला गया वो जीव जंतु भी कौन से थे जो शिव जी के पास ही थे तो थोड़ा सर्प में चला गया नागराज में शिव जी के पास बिच्छू भी होते हैं तो थोड़ा सा उनके अंदर चला गया और जितने ये छिपकली से लेकर जहरीले जंतु हैं दुनिया में कुछ वहां चला गया और कुछ पर्वत से लेकर भूमि में चला गया तो संखिया बन गया मतलब कुछ जड़ विष कुछ जंगम विष बन गया भगवान ने उस गिरे हुए विष की तरफ भी देखा और कहा कि तू भी औषधि बनकर इंसान का इलाज करेगा उसका भला करेगा ये कृपा भगवान शंकर में ही है कि विष को भी अमृत बना दिया उन्होंने लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कुछ भी बूंदे अमृत के गिर जाए कल्याण तो करती हैं चंद्रमा में कल्याण भरा हुआ है और कहते हैं कुछ पवित्र ग्रंथों में भी अमृत है गुरुवाणी में भी अमृत है तो कुछ बूंदे यहाँ छलकेंगी गीता अमृत की कोशिश करना कि आपके अंदर समाहित हो जाए और आपके घर में भी जाए जीवन में उतरे आपके कुल खानदान में कल्याण करें तो अब हर दिन एक एक प्याला एक एक कटोरा आपको बांटा जाएगा अब देखते हैं उसमें से आप कितना पकड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम गीता में हैं वैसे तो देखा जाए भगवान के एक हजार आठ नामों का तो उल्लेख होता ही है पर कृष्ण भगवान के जितने नाम दिए जाते हैं उनमें गीता में एक नाम है योगेश्वर योगेश्वर योग के द्वारा पाया जाने वाला प्राप्त होने वाला और जो हमें अपने से जोड़े हुए है ऐसा हमारा स्वामी हमारा परमात्मा योगेश्वर भगवान तो उन्होंने जितना भी संदेश दिया उस प्रत्येक अध्याय को एक योग के नाम से जाना गया चाहे वो विषाद योग हो ज्ञान योग हो सांख्य योग हो भक्ति योग हो संन्यास योग हो कर्म योग हो जितने भी अध्याय हैं गीता के अठारह अध्याय सबके साथ शब्द जुड़ा हुआ योग और योग क्या है भगवान इसको स्वयं समझाते हैं तो मेरे साथ आप बोलिए योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त धनंजय सिद्धय सिद्धियों समूह समत्वम योग उच्यते अब ये एक प्याला हुआ आज का अब इसको परखना है चखना है भगवान कह रहे हैं आसक्ति और मोह का त्याग करके योग में स्थित होकर सफलता और असफलता दोनों स्थितियों में मन को एक समान रखते हुए जीवन में मिलने वाली सफलता और असफलता दोनों में मन को समान रखते हुए हे अर्जुन तू अपना काम करता चल क्योंकि मन की समता का नाम ही योग है मन के संतुलन का नाम ही योग है अगर तुम्हें मन का संतुलन बनाना आ गया तो ये योग है योग मतलब जो मुझसे जोड़ता है जो मुझसे मिला देता है तुम अगर मुझसे और मेरी कृपा से मिलना चाहते हो तो संतुलन बनाना सीख जाओ तब मेरी कृपा तुम्हें प्राप्त होगी तो यहां कुछ बातें कही जो ध्यान देने वाली है पहली बात योगस्त होकर कर्मों को करें योगस्त होकर मतलब भगवान में स्थित होकर कर्म करें भगवान से जुड़कर प्रभु से जुड़े रहकर अपने कर्मों को करते चले दूसरी बात कही गई है कि आसक्ति मोह को अटैचमेंट को दुनिया के बहुत ज्यादा लगाव का परित्याग करके तुम्हें मेरे से जुड़े रहना है मतलब प्रेम रहे मोह न रहे दुनिया में बसो फसो नहीं रिश्ते निभाओ रिश्तों में उलझो नहीं व्यवहार निभाइए वार्ता कीजिए वाद को विवाद में नहीं बदलने देना संवाद तो ठीक है विवाद ठीक नहीं है जब तुम्हारा बोलना झगड़े में बदलने लग जाए अपने आप को रोक लेना और अपनी शांति और मधुरता बनाए रखना तो तुम मेरे से जुड़े हुए हो धन कमाना धन जोड़ना धन का व्यापार करना लेकिन धन को तुम पकड़ना धन तुम्हें ना पकड़ ले तुम्हें पकड़ लेगा तो फिर क्या होगा कि धन जब तुम्हें पकड़ लेता है तब फिर आपका ध्यान रात में सोते समय भी अगर तिजोरी की तरफ से चूहा भी निकल गया तो एकदम आग खुलती है कि देखना कोई तोड़ तो नहीं रहा तब आदमी भगवान की परिक्रमा नहीं करता धन की परिक्रमा करता है दूसरे शब्दों में कहें आदमी के प्राण धन में बस जाते हैं थोड़ी सी हानि हुई प्राण निकले The World Awakening Mission of Canada welcomes His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj and Dr Archika Didi Ji. Divine talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj 23rd and 24th August 2023 6:30 to 8:30 PM 26th and 27 August 5 to 8 PM Blissful life meditation by Dr Archika Didi ट्वेंटी फिफ्थ एंड ट्वेंटी सिक्स ऑगस्ट टेन थर्टी टू ट्वेलव पी एम लोकेशन ब्रैंपटन त्रिवेणी मंदिर कॉन्टैक्ट डीटेल्स अन्नपूर्णे सदापूर्णे प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यथ भिषा दी अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण है भगवान शंकर की प्राण वल्लभा है हे पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है यजमान की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है आप सपरिवार आनंद धाम पधारे यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नौ पाँच आठ दो नौ पाँच चार दो शून्य शून्य नौ पाँच छः शून्य सात नौ दो सात नौ दो सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है